चलते हैं। One more story is there of that sea. Okay. Once the wave started like a tide and it was so devastating that. So guys, this is famous sea retreat, another resort of Ashramites. So guys, this one is chief secretariat building, government of Puducherry. Promenade beach के बाजू में ही सारे अच्छे अच्छे होटल्स हैं और आपके गेस्ट हाउसेस हैं और आपके सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऑफिस भी हैं। तो ये पूरा स्ट्रेच अभी हम लोग वहाँ पे एंड है, जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे वो है आपका पार्क। पार्क इज द एंड एंड दिस वन हेयर इज द एंड। तो ये एंड या दिस वन इज द वाइट टाउन एंड द फ्रेंच कॉलोनी। नीना को अच्छा पता है मेरे से, बिकॉज इधर से जाएंगे ना एंड, इधर पे आश्रम इधर पे, लेट्स गो ना एंड चले जाते, एंड होके फिर पीछे से निकल जाएंगे। तो गाइस फाइनली हम लोग ये वाइट टाउन के एंड में प्रोमिनेंट बीच के पास आ चुके हैं और ये पूरा स्ट्रेच जो है ये ऑलमोस्ट 1.6 किलोमीटर। अभी मैं थोड़ा सा अंदर चलेंगे हम लोग, वाइट टाउन थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद समाधि जाएंगे थोड़ी देर के लिए, कुछ एक घंटा हो जाएगा, एक डेढ़ घंटा। आप यदि पौंडीचेरी में आते हो, आप यदि बाई वॉक एक्सप्लोर नहीं करते हो तो कुछ नहीं है, तो यू नीड टू एक्सप्लोर बाई वॉक। अभी जो भी आप फुटेज देखोगे ये वाइट टाउन के होंगे और ये दिस इज़ ए फ्रेंच, एक्चुअल फ्रेंच कॉलोनी एंड दिस इज़ ए फेमस कॉलोनी इन इंडिया जो कि यहाँ पे। ठीक है, चलो भी एक्सप्लोर करते हैं और कैमरा मैन बिहाइंड लीना मेरे साथ इसको। और बाय द वे यहाँ पे लोग साइकिल रेंट करते हैं, बाइक रेंट करते हैं और आपके गाड़ी भी रेंट करते हैं। यूजुअली आज हम लोग टू व्हीलर रेंट करेंगे, इनफैक्ट मेरे पास गाड़ी है फिर भी मैं टू व्हीलर में एक्सप्लोर करूंगा इस पौंडीचेरी खूबसूरत से टाउन को। और गाइज इस तरह के जितने भी आप ग्रे एंड व्हाइट कलर के बिल्डिंग देखते हो ये सारे आपके आश्रम की प्रॉपर्टी है, आश्रम के बिल्डिंग्स है, बट वो नहीं है, दीज आर स्पेसिफिकली ये वाला कलर के जितने भी है। आप यदि व्हाइट टाउन पे आते हो, क्या बोलते हो लीना? इसको बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो जितने भी इस तरह के देख रहे हो आप, रूई फ्रांसिस मार्टिन, ये सारे आश्रमाइट्स के बिल्डिंग्स है और कोई ना कोई यहाँ पे डिसाइपल्स है, वो लोग यहाँ पे रहते हैं फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग टाइम, बिकॉज ये कॉलोनी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था अप्रॉक्सीमेटली समय 1960 में। गाइज आप लोगों को एक चीज़ बतानी है, ये देखिए ये दिस इज श्री अरविंदो सोसाइटी, ये दिस इज द ओरो फ्रंट बोल के डिजाइनर लेदर बुटीक, ये आपके आश्रम के बिल्डिंग है। संडे हॉलीडे 9 AM टू 12 PM, 2 PM टू 4 PM, इस तरह पे टाइमिंग इस ऐसे ही होते हैं।
यहाँ पे आपके स्पेसिफिक टाइमिंग पे ही आपके छल छोल होते रहते हैं, आप इससे ज्यादा टाइमिंग पे नहीं निकल सकते, कम टाइमिंग पे नहीं निकल सकते। चलो अभी चलते हैं। So this is the guys, this is Harpagao showroom, another workshop of Ashram, and here all the handmade products are available, like handmade paper, everything like steel and you know the wooden blocks and everything is available here. Okay, so, where? They have their own timing, so whenever it opens, if you want to see all the handmade things and you know the steel products and those stuff made by Ashram, you can come and buy from here also. Okay, handmade product showroom, right? Harpagon बोल के है। Harpagon, super. So, ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं पता है, लीना को अच्छे से पता है। वन मोर थिंग, यहाँ पे सारे आपके रियो डुपी, रियो फ्रांसिस्को मार्टिन, इस तरह फ्रेंच वर्ड, बिकॉज इज अ फ्रेंच कॉल। ये सेंट्यूज है जिसका मैंने कल आपको दिखा दिया था। Pure essential oils and the perfume. So if you are crazy about perfumes and smell, especially the French, you know, perfumes, you can always come to this Ashram Centre. They have this working hours. So in this time only, you can come and buy all the essential oil, and they are the purest of purest. You can trust me. I'm using them for 20 years. Okay, Centre boutique. So I think this is there from the long time. हम लोग इसको या आश्रम के टाइम से लोग बहुत दिनों पहले से आ रहे थे। चलो अभी इस तरह जा रही है ना, वी हैव टू गो टू दिस इज द आश्रम मेन बिल्डिंग। ओके, इनसाइड में फोटोग्राफी नहीं कर सकते। ओके, वी कांट डू एनी फोटोग्राफी। गाइस, मैंने आपको बताया था, ये देखो आश्रम के बिल्डिंग्स है, दैट्स व्हाई इट इज ग्रे एंड वाइट इन कलर एंड इट्स अ यूनिफॉर्म पैटर्न। सी, दिस इज अ एम्ब्रॉयडरी डिपार्टमेंट। सो दिस इज आश्रम, यहाँ पे लोग लोकल्स आके काम करते हैं, जो लोग डिसाइपल्स होते हैं वो लोग। So this one is the ashram, और अभी हम लोग समाधि पे जाएंगे, right? हम लोग को शू भी उधर पे खोलना पड़ेगा। You guys studied over here? Okay, okay. Now your class? 7:30 class. Okay, cool. Guys, अभी हम लोग यहाँ पे जूता रख के जाएंगे अंदर पे, because shoe is not allowed, phone is not allowed, just mute करना पड़ेगा, that's all. Like it's something in the air at that time. Don't know why. Always dream of you when spring comes. It's like the heat on my skin takes me back to the time. This is famous Manakula Vinayagar temple, and this is the Ganesh temple. Basically all the places of this white town was of ashram before, and once Ganesha came and told mother that I don't have any place, where will be my temple, then mother gave this place for establishment of this temple, and then this became the famous Ganesh temple here. There is a beautiful elephant which comes and stays here, so after some time it will come, and always you can come and see the view of it right now. One more thing, Ganesh Bhagwan ne aake bola tha ki mere disciples ke liye jagah chahiye tha, so that's the place. सुपर। तो ये सारी छोटी छोटी कहानी मुझे बिल्कुल नहीं पता था, मुझे लीना से ही पता चला है, फॉर शेयरिंग दिस इंटरेस्टिंग स्टोरीज। लो अभी चलते हैं। वन मोर स्टोरी इज देयर ऑफ दैट सी। ओके, वंस द वेव स्टार्टेड लाइक अ टाइड एंड इट वाज सो डिवास्टेटिंग दैट यू नो दैट पॉन्डिचेरी वुड हैव बीन वॉश्ड अवे, सो पीपल केम एंड सेड मदर, एंड देन मदर टच्ड द वाटर एंड द वाटर बिकेम कम इमीडिएटली। ओके, नाइस। चलो अभी चलते हैं, वॉक खत्म करते हैं। ऑलरेडी 2.56 किलोमीटर हो चुका है। ओके, दिस इज क्वाइट फेमस, हैविंग अ वेरी गुड फीडबैक। ये वाला, या इट्स अ प्योर बेड रेस्टोरेंट, इंटीरियर इज आल्सो गुड, इट्स हैविंग एसी, सो यू, दिस इज द आश्रम डाइनिंग हॉल, एंड इफ यू वांट टू हैव फूड ऑफ आश्रम, यू कैन गेट द पास फ्रॉम ब्यूरो सेंट्रल, which is in the cottage guest house, and that is only available when you are staying with ashram. So if you want to explore and eat the food, there is a 50 rupees coupon for the breakfast, lunch and dinner, which you can buy from the main bureau central, and can come here in the allocated time and have your food. Now this is for all the ashramites, they serve food here, and at the same time if anybody is staying in guest house and wishes to have food, can have it from here. More thing, यहाँ पे आप जितने भी जो लोग सर्व करते हैं फूड वगैरह,
ऐसा नहीं कि इन लोगों को पेमेंट मिला जाता है, दे ऑल आर प्रॉपर, या दे आर सर्विंग, दे आर सर्विंग फॉर दिस सोसाइटी. और यहाँ पे प्रॉपर हम लोग की तरह ही लोग होते हैं जो लोग यहाँ पे डिसाइपल हो चुके हैं. बिकॉज यस्टरडे आई वाज आस्किंग इन द कॉटेज, यू नो दैट अंकल वाज देयर, आई वाज आस्किंग हिम हाउ टू बिकम ए डिसाइपल एंड ऑल. उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी रूल नहीं होता, यू डू नीड टू सर्व. जो लोग भी यहाँ पे आश्रम के प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे अब न्यू जनरेशन के लोग कोई भी नहीं आते हैं और बहुत ही कम आने लग गए हैं, तो यू कैन कम हेयर. ओके, उन्होंने कल मुझे कहा कि यू कैन कम हेयर एंड यू कैन स्पेंड 15-20 डेज एंड दे विल, यू नीड टू टेल देम आई वॉन्ट टू बी अ डिसाइपल एंड दे विल, आश्रम के जो भी हेड मेम्बर्स होते हैं वो लोग आपको जॉब असाइन करते हैं इफ़ यू एज पर दी वेकेंसी. जॉब बोले तो आपको एक घंटा के लिए दिन में आके हेल्प करना है, खाना देना है, या फिर ट्रैवल के लिए आपको करना है, वो लोग एलोकेट करेंगे एंड यू नीड टू सर्व फॉर देम. दैट्स द ओनली, यस दैट्स द ओनली थिंग. सो उसी तरह से आप पे होता है, ठीक है. ऐसा कोई मतलब नहीं, नॉट डिफिकल्ट लाइफ, यू नीड टू डे ओन वन आवर, दैट्स इट. तो उसी तरह से आपका हो सकता है, आई थिंक द गवर्नर बिल्डिंग. चलो हम लोग सामने से जाएंगे उस तरफ से. और बाय द वे मैंने 3 किलोमीटर पैदल हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया है और आई थिंक होते होते 5 किलोमीटर तक आराम से हो जाएगा. द गवर्नर हाउस यहाँ, या दैट वन ओनली, उस साइड पे वो वाला गवर्नर हाउस है, आपको जाने नहीं दिया, एंट्री नहीं है, तो यही है. ठीक है, कोई बात नहीं, चलो. तो देखो यहाँ पे देखो लोग सब खाना खा के निकल रहे हैं. भैया कॉफी थोड़ा स्ट्रॉन्ग मारना. तो गाइस फाइनली हम लोगों का ये हो गया व्हाइट टाउन, राइट, आवर व्हाइट टाउन. आप लोगों को जो दिखाना था वो सब कुछ हम लोगों ने आपको दिखा दिया है. बहुत कुछ है, इसका एंड नहीं है. लेकिन अभी ऑलमोस्ट 8:15 हो गया है, हम लोगों का आश्रम विजिट भी हो चुका है. वहाँ पे श्री अरविंदो का समाधि है. ओके, तो हम लोग ने सब कुछ हो चुका है और अभी हम लोग जा रहे हैं रूम. बाय द वे मैंने ऑलरेडी, हम लोगों ने ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर चल चुके हैं, 6 किलोमीटर. अरे बाबा, लोगों का सबसे बड़ा काम है वो है 2-व्हीलर लेना. 2-व्हीलर लेके हम लोग एक्सप्लोर करेंगे. तो चलिए, तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में इसी तरह से, ठीक है. Bye.